बैतूल जिले के शाहपुर नगर में हर्ष उत्साह के साथ मनाया गया विश्व आदिवासी दिवस। जिले के होशंगाबाद से सटे हुए ब्लॉक शाहपुर में जहां 39 पंचायत आते हैं जो पूर्ण रूप से आदिवासी अंचल है, 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मूल निवासी दिवस पर बड़ी संख्या में आदिवासी वर्ग के लोग एकत्रित हुए, जिसमें बच्चे, युवा, बुजुर्ग, महिलाएं उपस्थित हुए। कार्यक्रम में पतोवापुरा के खेड़ापति मंदिर से भव्य रैली निकालकर शाहपुर माचना ब्रिज होते हुए शाहपुर नगर भ्रमण करते हुए भीमराव अंबेडकर चौक से होते हुए शाहपुर के विजय भवन तक निकाली भव्य रैली, जहां विजय भवन में सांस्कृतिक कार्यक्रम व तमाम जनप्रतिनिधि व समस्त आदिवासी संगठन ने शिरकत की व संबोधन किया। संबोधन करते हुए जंगल सत्याग्रह मूवी के डायरेक्टर प्रदीप उइके ने कहा कि हम सबको एक होकर आदिवासी समाज का विकास करना होगा और इसी सबके लिए शिक्षा ही हमारी पहली प्राथमिकता है, क्योंकि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वह दौड़ेगा। वहीं जय संरक्षक राजा ध्रुवे जी ने बताया कि हमारे आदिवासी समाज के साथ अन्याय होते आ रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि नेमावर नीमच सिरनी जैसी घटना आदिवासी के साथ हो रही है, पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। देश के राष्ट्रपति प्रथम आदिवासी समाज के हैं, पर आदिवासी दिवस की छुट्टी नहीं दी गई, समाज के लिए बड़ी दुख की बात है। जैस प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश ध्रुवे ने कहा कि भारत के सभी धर्मों व समाज का आदिवासी समाज सम्मान करता है। हम सब, आप सब एक ST SC OBC, हम सभी भारत के मूल निवासी हैं। वहीं जैस ब्लॉक प्रवक्ता अंकुश कवड़े ने बताया कि हमारा युवा नशे से ग्रस्त है, हमें नशे से दूर रहना चाहिए। और साथ ही साथ विशाल आदिवासी सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए मुकदम सम्मान समारोह, समाज का उत्थान व शिक्षा का स्तर ऊंचा करने प्रतिभावान बच्चों का सम्मान किया और आदिवासी कर्मचारी अधिकारी व तमाम जनप्रतिनिधियों का पीले गमछे व हल्दी से तिलक लगाकर सम्मान किया गया। शाहपुर से संवाददाता संजय जगताप की रिपोर्ट। पेट बनेगा शिक्षा से, जब शिक्षा होगी तो हमारे कर्मचारियों का सम्मान हमने किया, ऐसा सम्मान तुम्हारा भी होगा, नहीं तो भैंसिया ढोर चराओगे और नदी में जाके मछली पकड़ के खाओगे, शाम को मोबाइल भी उतारोगे, मोबाइल के दारू भी करता हूँ। और बेटिया अगर तुम पढ़ोगे तो IAS कलेक्टर तक, डिप्टी कमिश्नर तक बनोगे। वो SDO साहब बारिश का CI, वो भी हमारे बड़े पद के अधिकारी है, ऐसे बनोगे तो आप लोगों के अंदर सुनने की क्षमता भी पैदा करो। जब हम दिखाने की क्षमता रखते हैं तो सुनने की क्षमता रखो। ये मंच आपको कुछ सिखाने के लिए मंच, ना कि मात्र पूरा डांस डाल। हमने इसलिए काम कराया कंटिन्यू रख, इसलिए कि आप लोगों को कहीं बुरा ना लग जाए। भाई आप भी बड़े उत्सुकता से आए कि हमारा प्रोग्राम होना चाहिए, हुआ भी। हमने निरंतर प्रोग्राम पर प्रोग्राम करवा, इसलिए करवा कि चलो आपका मन कहीं टूट ना। पर ये बताओ आप यहाँ से सीख के क्या जा रहे हैं? ये लाखों हजारों रुपया जो खर्च हो रहा है, ये हम लोग आपको कुछ देना चाहते थे, आप क्या लेके जा रहे हैं? आप आपको आज कम से कम याद रखो कि 9 अगस्त 1942 को एक कमेटी हुई, 1994 को कंटिन्यू हुआ कार्यक्रम होते आ रहे, मगर क्यों हो रही है हमको ये पता। साहब जो कंपन अभी तक अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए ये 10-9 अगस्त बनाया गया है कि आपकी समस्या को आप संयुक्त राष्ट्र संघ के पास भेज सको, आप बता सको। कुछ समुदाय है भाषा मानकीकरण नहीं है, ये एक नोट देखे होंगे, नोट के पीछे 11 भाषा है। अरे नोट देखा कि नहीं? अरे नोट देखा कि नहीं? ये बीच में तो ऐसे लगता है कि बात ही कर लूं तो मैं, अरे घर की बात छोड़ के इधर रहो। नोट देखा? कितनी भाषा है नोट पे? 11। अरे कितनी भाषा है नोट पे? अरे कितनी? अरे 9 है 10 है 11 है 12 है 15 है, कितनी है? अरे भैया नोट पलटा के देखो,
किसी के पास नोट होगा तो नोट पलटा के देखो, 15 भाषा है 15, और तुम्हारी बोली बोली एक ही भाषा है। अरे बोली एक ही भाषा है और कोर को बोली एक ही भाषा है। कभी तुमने सोचा कि हम इतना बड़ा समुदाय गोंडी बोलते हैं, इतना बड़ा समुदाय कोरकू बोलते हैं, भाषा का मानकीकरण नहीं हुआ? तो तुमने सोचा वो 15 भाषाएं नोट पे छप गए, गोंडी कब छपेगी? अरे गोंडी कब छपेगी, कभी सोचा है? तुम लोग बस